दुनिया की पांच सबसे खतरनाक विलुप्त जानवर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, तो मैं हूं आपका दोस्त पैक द किचन। आया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेके बहुत ही कमाल का, जिसमें आपका बताऊंगा कि दुनिया की पांच सबसे खतरनाक विलुप्त जानवर के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के पांच सबसे खतरनाक विलुप्त जानवर के बारे में जानकारी दूंगा और उसकी वीडियो दिखाऊंगा। तो ये वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो पे आपका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। नंबर एक, क्वेट्सल कॉटलस। ये अब तक के देखे गए सबसे बड़े उड़ने वाले जीव थे। ये 7 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ साल पहले उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे। इनके पंखों का चौड़ाव लगभग 35 फीट से लेकर 45 फीट तक हुआ करता था और इनकी ऊंचाई लगभग 20 फीट हुआ करती थी। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक के सबसे बड़े उड़ने वाले जीव थे। इनका वजन 230 किलो से लेकर 270 किलो तक हुआ करता था। ये छोटे डायनासोर के बच्चे को खाते थे और लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते थे। ये एक बार में एक हफ्ते तक उड़ सकते थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये यहाँ साल में एक बार 10,000 किलोमीटर तक उड़कर सफर करते थे, वो भी एक बार में। और उनकी उड़ने की स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। नंबर दो, डायनोसॉर्स। दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक मांसाहारी डायनासोर थे। ये पश्चिमी उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे, वो भी आज से 7 लेकर 6 करोड़ साल पहले। और इन्हें डायनासोर का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि सभी में ये सबसे खतरनाक हुआ करते थे। इनकी ऊंचाई लगभग 40 फीट जितनी हुआ करती थी और इनकी काटने का बल बड़े से बड़े जानवर को भी मार गिरा सकता था। ये अपनी काटने के बल पर अपने से छोटे सभी जीव को मार कर खाते थे। नंबर तीन, डिम्लोडॉन ज़ेबाटू। तो ये अब तक का देखा गया सबसे बड़ा बाघ है। ये आज से 25 लाख साल पहले लेकर 10,000 साल पहले पाए जाते थे। इनका नाम ज़ेबाटूथ इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके दो दांत बाहर हुआ करते थे। ये आज के वक्त से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे। इनकी प्रजाति का अधिकतम वजन 400 किलो तक होता था और आज के बाद से 1.5 गुना ज्यादा ऊंचे हुआ। ये अपने वक्त में फूड चेन में सबसे ऊपर आया करते थे। ये अपने से छोटे सारे जानवर को शिकार कर देते। आज के बाघ जंगल में अकेले रहते हैं, लेकिन ये अपने झुंड में रहते हैं। नंबर फोर, मेगालोडॉन। दोस्तों, इसकी बहुत ही कम संभावना है कि अपने इस जानवर का नाम सुना नहीं होगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क मछली हुआ करती थी। ये आज से 2 करोड़ से लेकर 36 लाख साल पहले पाए जाते थे। इनके काटने का बल लगभग 40,000 पाउंड हुआ करता था। इनकी अधिकतम लंबाई 55 से 60 फीट हुआ करती थी। हिंदी में मेगालोडॉन का अर्थ होता है बड़ा दांत, और काफी लोगों का मानना यह है कि आज के समुद्र की सबसे गहरी जगह मरीना ट्रेंच में ये जिंदा हो सकती है। ये शार्क मछली अपने से छोटे जीव को मार कर खाती है। लास्ट में नंबर 5, टाइटनोबा। तो ये हमारे विश्व का सबसे खतरनाक जानवर है। दोस्तों, टाइटनोबा किसी भी प्रजाति के उस जीव के सामने में लगाया जाता है जो अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा जीव। टाइटनोबा सांपों की प्रजाति का सबसे बड़ा सांप है। ये सांप से इतना खतरनाक है कि यहाँ डायनासोर को भी मार सकता था। इनकी लंबाई लगभग 45 से 50 फीट जितनी हुआ करती थी और इनका वजन लगभग 1 टन से लेकर 1.5 टन तक होता था। और जहाँ आज कोलंबिया है, वहाँ ये सांप 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। और दोस्तों, आज जो हमें एनाकोंडा दिखाई देते हैं, उनसे भी एक बड़े हुआ करते। और सबसे
सबसे खास बात यह है कि ये मगरमच्छ को बड़े चाव से खाते, जिससे मगरमच्छ से आज हम इतना डरते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की 5 सबसे खतरनाक विलुप्त जानवर, और मुझे पता है इन जानवरों को देखकर आप चौंक गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए और अधिक वीडियो के लिए हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तक के लिए।